अरे जीजी जरा यहाँ तो आओ, अरे जल्दी आइए। है ये सब कहाँ करते रहते हो तमाशा तुम लोग हैं? अरे कावा, पानी पी लो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। अपना कमरा काहे तितर बितर कर दिए तो? माता? अम्मा, पता नहीं हमें कहाँ हो गया था। अम्मा, एक तो हमारा वैसे दिमाग खराब था और फिर इस सजा हुआ कमरा देखकर हमें कुछ सोचा ही नहीं। हमारा तो मन ही टूट गया है। मैं ऐसा क्या कर दिए थे तो आपका मन ही टूट गया? अरे मन टूटे तुम्हारे दुश्मन का, ऐसा का हो गया माधव, बोलो तो कुछ। बेटा ऐसा अपना मन का है छोटा कर रहे हो तुम? हम है ना। अरे माधव भैया, इस समय ना मन के उड़ने का है, टूटने का ना है, और अब चिंता काहे कर रहे हैं हम, है ना। अरे मन जोड़ने के सारे इलाज हैं हमारे पास। हाँ तू ना चुपी रह, संत चुप रह, अम्मा को बोलिए चुप रह, इको बोलिए यहाँ से जाए। एक तो हमारा दिमाग वैसे ही खराब है और ये ऊपर से, तू जा यार यहाँ से, निकालिए इसको यहाँ से, जाए तू हट जा, काहे हमारे माधव को परेशान कर रहा है। माधव तुम भी इतना मन छोटा काहे कर रहे हो? हाँ देखो तुमको परेशान देख के हम सभी दुखी हो गए ना, और बाल बच्चों की खुशी से ही तो माँ बाप का अरमान होता है, काहे ठीक कह रहे ना हम? वही तो बात है ना चाची, हमरा भी तो कितना अरमान था, काका सोचे थे हम इगोना के बारे में। और चाची आपको का लगता हम ये सब करना चाहते थे? हमें अच्छा लग रहा है ये सब करके, हमें खुद बहुत ही बुरा लग रहा है। चाची आप जानती हैं, हम ही मौका पर सबको काका गिफ्ट देना चाहते थे, बढ़िया से बढ़िया सबके लिए गिफ्ट लेकर आए थे, पर सब पर पानी फिर गया चाची। ये तो हम समझ रहे बेटा, बाकी ये सब तुम चिंता फिकर छोड़ दो, गिफ्ट काका वो तो तुम कभी भी दे सकते हो, बाकी ये सब चीज के लिए काहे परेशान हो रहे हो? परेशान होने की बात है चाची, अब खुद ही बताओ ऐसा कभी हुआ है काम रे घर में? नहीं हुआ ना। विजेंद्र भैया का भी तो गौना हुआ था, हम सब कितना जश्न किए थे, और विजेंद्र भैया अपनी जिंदगी का शुरुआत हंसी खुशी किए, और हम अपनी जिंदगी का शुरुआत कर रहे हैं प्रायश्चित से। अरे बेटा माधव, प्रायश्चित को ऐसे देखोगे ना तो तुमको इस सजा लगेगी, और अगर दूसरे तरीके से देखोगे ना तो ये तुमको पूजा लगेगी। अरे ढोल बजाए के अपनी जिंदगी का शुरुआत तो सभी कर लेते हैं, लेकिन तुम अपने जिंदगी का शुरुआत देवी माई की पूजा और सेवा करके करोगे। बाकी तुम ये सब छोड़ो, गुस्सा जीत हाँ, तुमको भूख लग गई होगी हाँ, तुम इसे कुछ ढंग से खाया नहीं ना। अच्छा अब हम सब थे, हमरे राजा बेटा को काहे इतना गुस्सा आ रहा है? का कलावती तुम हो हैं? इका भूख लगी है और तुम न जाने इका का समझाए पढ़ाए जा रही हो। भूखे को गुस्सा नहीं आएगा तो का आएगा? हम अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आते हैं। अरे तारा बहू अच्छा हुआ तुम आए गई, हम जा रहे थे अभी माधव बेटा के लिए दूध गरमाने, तुम आ ही गई हो तो एक काम करो यानी रसोई तक चली जाओ और जा करके दूध गरमा के ले आओ हमरे माधव के लिए हैं। तारा जरा साफ सफाई से लाना, हमारे माधव बेटा का व्रत है ना, समझ गई हो ना? अरे माई माधव भैया का ना तो हम कोनो काम करने को तैयार है, वो का है ना वो हमसे वादा किए हैं कि हमें नौलखा हार देंगे,
इंतजार करना पड़ेगा, पर कोनो बात नहीं, हम कितना भी इंतजार करने को तैयार हैं, हम लाते हैं। और हाँ माई, हम है ना अपने हाथ और दूध का बर्तन है ना अच्छे से साबुन से साफ कर लेंगे, आप तनिको चिंता ना करिए। हम अभी माधव भैया के लिए गरम गरम दूध लेकर आते हैं। तारा बहू दूध लेकर आएगी ना, वो तुम पी लेना तो भूख थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर तनिक आराम कर लेना। तब तक हम तुम्हारे लिए खोया मिश्री और काजू वाले फलारे पराठा बना कर ले आते हैं, ठीक है ना? कहा बेटा, उठो जाए करके घूमो फिरो, तुमका ऐसा बैठे देखकर हमका अच्छा नहीं लग रहा बेटा, बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत दुख हो रहा। यहाँ आओ। जी माँ जी। बल्ली। जी बड़ी अम्मा, आए। जी बड़की अम्मा। इका कह दो कि मंजू बहू के कमरे में चली जाए, माधव इका देखेगा बहुत परेशान होएगा। एक ही वजह से जौन दिक्कत हमरे बेटा को हुई है उका हम संभाल लेंगे, बाकी आगे कोनो परेशानी हम चाहते नहीं है। एक बात ध्यान से समझ लो बहू, मंजू बहू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारा मंगल धागा कोनो सेंट या सुगंध से जला है। और एक बात याद रखना तुम, मंजू बहू को कोनो विधि ई बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तुमरा मंगल धागा चला भी है, समझी?